दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई लहर 1918 में आई फ्लू महामारी से काफी मिलती जुलती है। एक सदी पहले भी लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकलते थे और आज एक सदी बाद भी यही देखने को मिल रहा है। अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर क्रिस्टोफर मैकनाइट निकोल्स की माने तो ओमिक्रॉन की तरह 1918 फ्लू ने भी युवाओं और सेहतमंद लोगों को सबसे पहले अपनी चपेट में लिया था। द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में निकोलस ने लिखा है कि फरवरी 1918 में आया फ्लू पहले विश्व युद्ध के कारण अमेरिका से पूरी दुनिया में फैल गया था। यह भी हवा से फैलने वाली बीमारी थी। इसके संक्रमण को दुनिया भर में फैलने में सिर्फ 6 महीने लगे थे। हालांकि ओमिक्रॉन की तरह इस फ्लू की मृत्यु दर भी कम थी। फ्लू के कुछ लक्षण भी ओमिक्रॉन की तरह ही थे। इसमें लोगों को जुकाम और बुखार होता था, तब भी लोगों ने लापरवाही दिखाकर इसे 3 दिन तक रहने वाला बुखार समझ लिया था। निकोलस की माने तो अक्टूबर 1918 में इस फ्लू का एक खतरनाक वेरिएंट आ गया था जिसने अमेरिका में 1 महीने में 2 लाख लोगों की जान ली थी। 1919 आते आते फ्लू के मामलों और मृत्यु दर में कमी आई थी। दुनिया भर में फ्लू महामारी से कुल मिलाकर 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। निकोलस का मानना है कि जिस तरह फ्लू वायरस आज भी वातावरण में मौजूद है, उसी तरह कोरोना वायरस भी कहीं जाने वाला नहीं है। एक समय बाद कोरोना भी फ्लू जैसे ही हमारे लिए एक नॉर्मल वायरस बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।